नहीं सितारा, संभाल अपने आप को। तेरा डर इनकी चुनौती के सामने कुछ नहीं है। सिर्फ आज ही का दिन है तेरे पास इनकी पहली सुलझाने के लिए। आज अगर तू डर गई तो वो लोग यहां से कभी नहीं जाएंगे। कैसा खतरा बाबा? संध्या आरती के बाद जब मैं ध्यान पर बैठूंगा तो सब पता चल जाएगा। कुछ करना पड़ेगा दीदी, अगर इस संत को सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। वृंदा जी, बाबा अपनी कथा शुरू करने वाले, आइए आप सब लोग, आप भी सुन लीजिए। जी। आ, क्या? दीदी। वृंदा जी क्या हुआ? वो मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ठीक है, आप यहीं पर रुकिए, हम डॉक्टर को बुलवाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज हमें बता दीजिए, ठीक है? आप सब लोग भी इनका ध्यान रखिएगा। जी। अरे सितारा, तुम यहाँ? तुम संची के वेलकम के लिए नीचे क्यों नहीं? एनीवे, अब जल्दी चलो, कथा शुरू होने वाली। राजकुमारी पद्मनी, हमारे मेहमान आ रहे हैं पूजा में। नहीं, वृंदा जी के पेट में अचानक से दर्द शुरू होने लगा तो बड़े पापा ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है, और उनकी बहनें भी उनके ही साथ है। अरे पर तुम तो चलो। तुम चलो, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। पर प्लीज चली आना। हाँ, अब क्या करूं? मारना होगा। क्या? संत की शिव कथा खत्म होने से पहले हमें उस संत का ही अंत करना होगा, तभी हम अपनी सच्चाई सबसे सबसे छुपा पाएंगे। पर दीदी, ये सब होगा कैसे? मैं बताती हूँ, चलो मेरे साथ। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। भगवान कश्यप के 100,000 योजन चौड़ी पीठ पर मदिराचल पर्वत घूमने लगा। उस समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला, जिससे देव और दानव जलने लगे। तब सभी देव और दानवों ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। महारानी, कथा पढ़ते पढ़ते बाबा का गला सूख जाता है, उन्हें कच्चा दूध चाहिए होगा। कच्चा दूध? पर आज तो उनका महाशिवरात्रि का उपवास होगा ना? उनका तो हर दिन उपवास ही रहता है महारानी, वो कच्चा दूध ही पीते हैं। अच्छा, आई। अब ये दूध ही इस बुढ़े का नाश करेगा। ये लीजिए। धन्यवाद।
देव और दानवों की प्रार्थना से महादेव प्रसन्न हो गए और उस विष को हथेली पर रख के पी लिया। विष को कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया और उस कालकूट के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ के भी नाम से जाना जाता है। क्या हुआ सितारा, अपने बिछाए जाल में तुम खुद ही फंस गई? करोगी क्या अब तुम? देखो अब अगर तुम उनके सामने चली गई तो तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी, और अगर तुम उनके सामने नहीं गई तो बेचारा संत शिवजी का नाम लेते लेते शिवजी के पास ही पहुंच जाएंगे। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है सितारा, जो करना है जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि विष से भरा दूध अगर संत जी ने पी लिया तो बेचारे कथा सुनाते सुनाते खुद ही एक किस्सा बन जाएंगे। Yeah.